कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निजर की हत्या में कथित तौर पर भारत के शामिल होने के आरोप पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब वहां के विपक्षी नेताओं ने ट्रूडो को अड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम को सभी तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए जिससे निर्णय लिया जा सके। मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए पोइली वरे ने कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को सभी तथ्यों के साथ सफाई देने की जरूरत है। हमें सभी संभव सबूतों को जानने की जरूरत है ताकि कनाडाई उस पर निर्णय ले सके। पोइलीवाड़ी का यह बयान मीडिया के उस सवाल के जवाब में आया जिसमें पूछा गया था कि कनाडा द्वारा एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित किए जाने के बाद और क्या किया जाना चाहिए। विपक्षी नेता ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं रखा है, उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया। मैं बस इस बात पर जोर दूंगा कि उन्होंने मुझे निजी तौर पर इतना कुछ नहीं बताया जितना उन्होंने सार्वजनिक रूप से कनाडाई लोगों को बताया, इसलिए मुझे इस मामले में और अधिक जानना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर पीएम और अधिक इस बारे में बात नहीं करेंगे तो आरोप गलत या अविश्वास पाए जा सकते हैं, इसलिए कोई भी फैसला करने के लिए हमारे पास और सबूत होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मुझे यह दिलचस्प लगता है कि ये कई वर्षों से चीन के हस्तक्षेप करने के बारे में जानते थे, यहां तक कि उसी समय बीजिंग ने दो कनाडाई नागरिकों को बंधक बना रखा था, तब उन्होंने ना तो कुछ कहा और ना ही कुछ किया। गौरतलब है कि एक दिन पहले ट्रूडो ने हरदीप सिंह निजर की गोली मारकर हत्या करने का आरोप भारत सरकार पर लगाया था। उन्होंने दावा किया कि उनके देश के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के पास ये मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडाई नागरिक की हत्या को अंजाम दिया। ये बड़ा आरोप कनाडा ने लगाया भारत को। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है जिस पर सियासत गरमाई हुई है, दोनों देशों के बीच मनमुटाव जारी है। दरअसल कनाडा और भारत के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा ने भारत के एक शीर्ष डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। पूरा मामला सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच से जुड़ा है। कनाडा सरकार का आरोप है कि भारतीय डिप्लोमेट हत्याकांड की जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे और वो भी तब जब कनाडाई एजेंसी मामले की जांच के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि निज्जर के हत्याकांड के पीछे भारत सरकार की साजिश हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल जून में कनाडा के एक प्रमुख खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के सरे में स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के नज़दीक दो अज्ञात हमलावरों ने निज्जर पर हमला किया था। हमले में उसकी मौत हो गई थी। भारतीय एजेंसी NIA ने निज्जर को भगोरा घोषित किया था। बता दें कि निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष था और कनाडा में चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख चेहरा था। निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख भी था। आपको बता दें कि ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के हौसले बुलंद हैं। ट्रूडो के बयान के दो घंटे के भीतर ही ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे में गुप्त बैठक हुई जिसमें गुरुद्वारा काउंसिल के प्रवक्ता मुनिदर सिंह समेत कई दूसरे खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने की खबर सामने आई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।